राम किसान भाइयों, किसान भाइयों, मैं आज आपको सिजेंटा कंपनी की एकतारा जो दवा आती है इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि इस समय जो है उड़ने वाले जो रस चूसक कीड़े हैं इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा ही फसलों पर हो रहा है, तो इसके बारे में एकतारा के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से फसल और कौन कौन से रस चूसक कीड़े इससे मरेंगे और कितनी मात्रा इसकी डालनी है, किस फसल में डालनी है। किसान भाइयों, जो सिजेंटा कंपनी की एक तारा दवा है ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, इसमें जो रासायनिक इंसेक्टिसाइड यानी रासायनिक कीटनाशक जो होता है उसका नाम थायमैक्सोम 25% WG सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होता है। इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे कि ये कैसे काम करती है। किसान भाइयों, ये दवा उड़ने वाले जो रस चूसक होते हैं जिसे देसी भाषा में गुजिया, माहू, वाइट फ्लाई या जो अन्य रस चूसक की उड़ने वाले रस चूसक कीड़े होते हैं बागों में, अधिकतर आम के बागों में देखते हैं आप, हापड़ इसमें भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, तो इसके लिए आपको एक तारा जो है वो 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका स्प्रे करें और इसका छिड़काव जो है लगभग सभी फसलों में आप कर सकते हैं। ये कोई नुकसानदेह नहीं है, चाहे फूल की अवस्था है, चाहे पौधे अभी नर्सरी में लगे हुए हैं, पौधों की कोई भी अवस्था है, फसलों की कोई भी अवस्था है, आप इसमें डाल सकते हैं और ये कोई नुकसानदेह नहीं है। उड़ने वाले जितने भी रस चूसक कीड़े होते हैं उनको ये मार नष्ट कर देता है और इसकी जो मात्रा है 10 ग्राम प्रति 15 लीटर टंकी यानी प्रति 15 लीटर पानी की जो टंकी है उसमें आप 10 ग्राम इसका घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। इसका जो है असर फसलों में आपका एक बार जब स्प्रे करेंगे तो 15 दिन तक होता है, दूसरा स्प्रे जो है 15 दिन के बाद आपको करना होता है। इससे जो उड़ने वाले रस चूसक कीड़े होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, जो पत्तियों को खाकर फसलों को या फसलों की पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे आप निजात पा सकते हैं और आपकी फसलें जो है वो एकदम स्वस्थ रहेंगी। यदि इसका छिड़काव आप समय अनुसार करते रहते हैं तो आप उड़ने वाले जो भी रस चूसक कीड़े हैं और आपकी कोई भी फसल है तो ये नुकसान नहीं करता है, किसी भी फसल में आप उसमें डाल सकते हैं जिससे कि आपके फसल की सुरक्षा हो सके। किसान भाइयों, मैंने जो दवा बताई है वह एकतारा जो कि सिजेंटा कंपनी की आती है जिसमें रासायनिक जो तत्व भरा होता है उसका नाम थायमैक्सोम 25% WG यानी कि वो दानेदार सेव की तरह से दवा होती है, उसका 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव करें तो आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं कि जो भी उड़ने वाले कीड़े होते हैं, कीटनाशक कीड़े होते हैं, वह मर जाते हैं। ये दवा सिस्टमेटिक होती है, अर्थात जब आप धुलाई करेंगे तो ये दवा पूर्णतया पूरे पौधों में पूर्ण रूप से उनके भोजन बनाने की जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है इसके माध्यम से पूरे पौधे में जो है पहुंच जाती है, जिससे रस चूसक कीड़े जो होते हैं वे पौधे में कहीं भी रस चूसने की कोशिश करते हैं या पत्तियों को खाने की कोशिश करते हैं तो वह नष्ट स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।